मध्य प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव होने हैं, ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिस वजह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार गिर गई और एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार यानी कि शिवराज की सरकार ने सत्ता में वापसी की है। ऐसे में उपचुनाव होने हैं जल्द ही। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आएंगी। और इन सब में बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव होने हैं। हालांकि उपचुनाव के तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पार्टियों में इसको लेकर यानी कि बता दें कि उपचुनाव को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं बता दें आपको कि पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं इस चुनाव को जीतने के लिए। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। सबसे बड़ी चुनौती ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने है। ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिस वजह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार गिर गई और एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार यानी कि शिवराज की सरकार ने सत्ता में वापसी की है। और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में उपचुनावों की ज्यादातर सीटें हैं और ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वह ये उपचुनाव जीते। जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति रिपोर्ट।